गन ला के दो ना। तू क्या करेगा गन का? जब गन रहती है ना यहाँ पे तो इज्जत बड़ी मिलती है। और वो रज्जन नहीं है खान मार्केट वाला, उसके पास भी है। सारे होटल वालों को ऐसे करके दिखाता है और मुफ्त में रोटी खाता है। तेरे को यहाँ रोटियाँ मिलती है ना? हाँ। तो तू बिना गन के रह। अरे शर्मा जी मुबारक हो। अरे क्या बात होगी? अरे बात बहुत बड़ी हो गई, आज का अखबार देखा? न्यू फेस ऑफ क्राइम ब्रांच। मैं भी मोहित भैया की तरह पुलिस में भर्ती होऊंगा, मेरा भी इंटरव्यू आप ही लेने आना। ठीक है चलो, इसका तो हो गया, अब तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ पे करेंगे? मेरा? एक मिनट। अरे वर्षा नहीं, प्लीज यार कहीं और कर लेते। प्लीज क्या? साफ सफाई नहीं रखते क्या? कमरे में क्या प्रॉब्लम है? अरे पर्सनल टच आएगा, मेरा काम है, मुझे पता है। आंटी। हाँ बेटा। मोहित का कमरा किधर है? ऊपर है। ऊपर है? अच्छा, लेकिन वो तो आज तक हमने भी नहीं देखा। हाँ हाँ मैं देखूंगी, चुप रहो। ये है मेरी दुनिया, इसे तुम बाहर की दुनिया को दिखा पाओगे? अब मुझे पता नहीं था कि तुम... तुम्हें कितना पसंद करता हूं। नहीं, थोड़ा बहुत एहसास तो था, लेकिन वो क्या है? वो ये तुम्हारा कुछ बचपन का सामान है, वो रिबन तुम क्लास 4th में पहनकर आती थी, ये तुम्हारा रुमाल जिसे पहन के हम लोग बचपन में ब्लाइंड फोल्ड खेलते थे, अब तुमने पहले कभी कुछ कहा ही नहीं। क्यों? अब तो बहुत देर हो गई है ना? अब जाओ, जाके मजाक बनाओ मेरा, कह दो सबको कि मोहित ने मेरी तस्वीरें दीवारों पे लगा के रखी है, पर उनको ये भी बता देना कि इन तस्वीरों में मुझे सपने अच्छे आते हैं और उन सपनों में तुम मेरी होती हो। हेलो वर्षा माथुर। या अब ये मत पूछना कि मैं कौन बोल रहा हूँ। उमर मुख्तार गजनी का नाम सुना है? जी। लश्करे हक के चीफ इस वक्त दिल्ली में है, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहते हैं सिर्फ तुम्हें। आज शाम 6 बजे तुगलकाबाद फोर्ट में अकेले आना मंजूर है। देखो कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए। मंजूर है। Times was exclusive, not anybody else. Miss Catherine Jones, don't forget that it's me who's been giving you all the vital leads in all the important cases ever since you've arrived in India. And you have been paid handsomely for it, Mr. Jindal. Excuse me? आप लोग यहाँ पे उमर मुख्तार गजनी के इंटरव्यू के लिए आए हैं? मतलब तुम भी? हाँ। मुझे भी उन्हीं के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। Exclusive. What? देखो बेटा क्या है, ये टेलीविजन का कोई सेंसेशनल न्यूज आइटम नहीं है, इट इज अबाउट ग्लोबल टेररिज्म। मुझे लगता है तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। आई सीरियसली थिंक यू शुड लीव। मिस्टर जिंदल, मुझे पता है कि आप अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हो, हर पॉलिटिकल पार्टी से तनख्वाह मिलती है ना तुम्हें, बिहार की गरीबी और इटालियन कुजीन दोनों पर उतना ही प्यार से लिखते हो। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है? वो एक टेररिस्ट रेसिपीज के बारे में लिखने के लिए, समझे? हैंडल नहीं कर पाऊंगा। दीदी चेंज नहीं है भाई। चेंज नहीं, चिट्ठी। नीचे डिलीवरी वैन खड़ी है,
उसमें आकर बैठ जाओ। वैन तो खाली है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या? खैर, हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे इंटरव्यू से ज्यादा तुम लोगों की जान की फिक्र है। आई मीन, क्यों? तुम्हारी जान से उन्हें कोई एलर्जी है क्या? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ जान है देने के लिए। तुम लोगों के पास और बहुत कुछ है जो वो लोग ले सकते हैं, तो। लेकिन मैंने तो सुना है वो लोग कुछ और शौक रखते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अंदर बैठने के लिए बोला है, बैठे। आफ्टर यू प्लीज। थैंक यू मैम। Hi, I am Catherine Jones, New York Times. Hi, Varsha Mathur, Aaj Tak News Channel. Nice to meet you. लाइट बहुत कम है, शूट करना अब मुश्किल होगा। मुझे तो सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करनी है। आई एम ओके। वेयर इज उमा मक्टगास्नी? वेयर इज उमा मक्टगास्नी?